हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्डे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए रिलायंस रिटेल की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर आए हैं, जो की नई वैकेंसी है बिना एग्जाम के। जी हाँ दोस्तों, फाइनली रिलायंस रिटेल की तरफ से आ चुकी है बंपर वैकेंसियां, जिसके लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है लगभग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात यह है कि रिलायंस रिटेल इस वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। तो यहां पर आपका केवल डायरेक्ट सिलेक्शन होगा सीधी भर्ती के माध्यम से, और अप्लाई जो है आपको केवल ऑनलाइन ही करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वैकेंसी को लेकर के, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि रिलायंस रिटेल की तरफ से नई वैकेंसी है। दोस्तों, रिलायंस रिटेल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जा रही है सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, और यहां पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी काफी हैंडसम आपको मिलेगी, कम से कम 35,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और उसके बाद आपकी बढ़ते हुए क्रम में सैलरी भी हो सकती है। दोस्तों, यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है और यहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जहां पर हम आपको साथ ही साथ बताएंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है tipsviralbuzz.xyz। यहां पर आप जाकर के वैकेंसियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं गाइस, यहां पर सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltech.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही जानकारी ले और अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस रिटेल की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, रिलायंस रिटेल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है यहां पर मल्टीपल जॉब से, और आप देख सकते हैं 12,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर जारी हो चुकी है लगभग। ठीक है दोस्तों, पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर मल्टीपल जॉब्स जारी कर दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर की पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट है, सेल्स एसोसिएट की पोस्ट है, क्लस्टर रिप्लेसमेंट की पोस्ट है, और भी अदर वैकेंसी है जिसकी डिटेल्स में जानकारी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, 12,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चाहे आप मोबाइल लैपटॉप या पीसी से अप्लाई करें, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि फ्रेंड्स यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी की बात करते हैं तो 28,000 रुपए पर मंथ आपको कम से कम सैलरी मिलेगी, और मैक्सिमम जो है 50,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। तो यहां पर एज पर रूल्स आपको सैलरी मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। वहीं गाइस, यहां पर जो एज लिमिट है कम से कम 18 है और मैक्सिमम जो है 45 है। फिर भी आपको बता दें, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है जो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th 12th और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन जो है 1 मई से 8 जुलाई तक चलेंगे, तो 8 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। फ्रेंड्स, आपको यहां पर क्लिक करना है, आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप रिलायंस रिटेल के करियर पोर्टल पर आ जाएंगे, और यहां पर आपको करना होगा स्क्रॉल डाउन। जैसे दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने और भी काफी सारी वैकेंसी आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं फीचर्ड अपॉर्चुनिटी यहां पर मेंशन कर रखी है और काफी सारी जॉब्स यहां पर है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट करने पर आपको काफी सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे, और यहां पर आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, कि यहां पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लोकेशन क्या होगी, और यहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। आप देख सकते हैं एचएससी पास और एसएससी पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर एक्सपीरियंस में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अलावा यहां पर आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि आप अगर एज ए फ्रेशर्स भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर जॉब्स रिलीज की गई है, जो कि आप यहां पर आकर के चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसी के लिए सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो
है अलग अलग लोकेशन भी है, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बटन आपको मिलेगा नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो रेड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो न्यू यूजर पर आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा जिसको आपको फिलअप करना होगा। इस ऑनलाइन फॉर्म को भर करके जमा करा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स है वही आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपका जो सीवी रिज्यूमे है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फाइनली आप इसी प्रकार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।